मॉर्निंग चिल्ड्रन। कम टू द एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइंस। हमें यहाँ कुछ फ्रैक्शंस दी हुई है, उसको हमें कंपेयर करना है, जैसे कि 3/6 एंड 5/6। देखो जो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होती है, जहाँ डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होती है, तो कंपेयर करना बहुत ईजी होता है। ऊपर वाला नंबर जो बड़ा होगा ना, वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। जैसे यहाँ 5 बड़ा है तो 5/6 वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। बट जैसे बी वाला है, अब यहाँ दिया हुआ है 1/7, 1/4, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम है तो कंपेयर किससे करेंगे, नीचे वाले से। यहाँ 7 बड़ा है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में उल्टा होता है, जो नंबर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो 4 छोटा यानी कि 1/4 फ्रैक्शन बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, 1/2 एंड 1/5। न्यूमरेटर जब सेम है तो नीचे वाले डिजिट से कंपेयर करते हैं, जो डिजिट छोटी होगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। 2 छोटा है यानी कि 1/2 बड़ा होगा, इसलिए 1/2 की तरफ एरो लगा देंगे। नेक्स्ट 2/4 एंड 3/6, पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 4 क्या जाएगा, 1/2। 3 1 3 3 2 6 क्या जाएगा, 1/2। तो इसमें हमें पता चलता है कि दोनों इक्वल है। 5th का सी वाला, 3/5 एंड 2/3, ना इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, ना इसमें रिड्यूस हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। 3 एंड 5 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 1 3 5 5 1 5 3 5 15। एलसीएम आ जाएगा 3 5 15। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को लिखेंगे 3/5। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, इसका मल्टीप्लाई हमें ऐसे डिजिट से करना है कि हमारा एलसीएम आ जाए, यानी कि 15 आ जाए। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 3 से। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 9/15। 3 3 9 एंड 5 3 15। नेक्स्ट फ्रैक्शन 2/3, सेम वो, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई ऐसे डिजिट से करना है कि 15 आ जाए 5 से। 2 5 10 3 5 15। कौन सी वाली फ्रैक्शन बड़ी है, पता चलता है हमें 9/15 एंड 10/15, यानी कि 10/15 इज ग्रेटर देन, तो 2/3। 2/3 इज ग्रेटर देन टू 3/5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बहुत सारी फ्रैक्शंस दी हुई है, उन सबको हमें रिड्यूस करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है, और फिर उनको 3 ग्रुप में अलग अलग बांटना है, जो एक जैसी उनको तीनों सबको एक साथ में लिखना है। पहले हम रिड्यूस करके देख लेते हैं। 2/12 को रिड्यूस करेंगे, 2 से रिड्यूस होगा, 2 1 2 एंड 2 6 12। इसको रिड्यूस करेंगे, 3 1 3 3 5 15। इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 4 8, और 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 4/25। इसको रिड्यूस करेंगे 4 से, 4 4 16 एंड 4/25। तो इस तरह से ये दोनों सेम है, ऐसे आपको सारी फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है, जो सेम है उनको साथ में लिखना है, इस तरह से आपके 3 ग्रुप बन जाएंगे। एला रीड 25 pages ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 pages। एला एक बुक जिसमें 100 pages है, उसकी 25 pages रीड करती है। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। ललिता उसी बुक के 2/5 pages रीड करती है, उसी बुक का 2/5 part रीड करती है। हु रीड लेस, आपको बताना है कि किसने कम pages रीड किए हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखते हैं कि ईला ने कितने pages रीड किए। ईला रीड 25 pages, लीला रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। अब यहाँ तो पेजेस है और यहाँ फ्रैक्शन है, या तो हमें इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करना है, या फिर हम इसको भी पेजेस में चेंज करेंगे, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हम इसको भी पेजेस में चेंज कर लेंगे। 2/5 ऑफ द सेम बुक, फ्रैक्शन में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। 2/5 ऑफ मल्टीप्लाई सेम बुक, सेम बुक में कितने पेजेस है, 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको रिड्यूस करेंगे, 5 2 10 0,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 20 को तो 40, तो यानी कि उसने कितने पेजेस रीड किए, 40 पेजेस। तो हमें पता चल जाएगा किसने रीड लेस किया है, ईला ने। आंसर हो जाएगा ईला रीड लेस। क्वेश्चन नंबर 10। इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। इन अनादर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स 24 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। एक क्लास ए है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स है 25, जिसमें से 20 जो स्टूडेंट्स है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, और जो दूसरी क्लास है बी उसमें टोटल 30 स्टूडेंट है, जिसमें से 24 बच्चे जो हैं 60% मार्क्स ही है फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। इन विच क्लास वॉज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स। आपको बताना है कि कौन सी क्लास में जो है ज़्यादा फ्रैक्शंस के बनी है बच्चों की, जिसमें वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं, कौन सी क्लास का फ्रैक्शंस बड़ा है, आपको बताना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्लास ए का फ्रैक्शंस देखना है। तो क्लास ए का फ्रैक्शन क्या बनेगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास ए में, 25, और कितने बच्चे पास हुए 60% मार्क्स से, 20। तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 20/25। ठीक, ऐसे ही क्लास बी में टोटल बच्चे कितने हैं 30, और कितने बच्चे पास हुए 60% से, 24। जिसका फ्रैक्शन हमें बनाना रहता है पास होने का एक किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ ऊपर आती है और टोटल स्टूडेंट्स नीचे हैं। पहले अब हम इसको वो करके देखते हैं, रिड्यूस करके देखते हैं। 5 4 20 5 5 25 6 4 30 6 5 35। दोनों क्लासेस का फ्रैक्शन सेम है, तो हम आंसर लिख देंगे कि सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गोट फर्स्ट क्लास इन बोथ द क्लासेस।